अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती होंगे आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं कुकिंग के हवाले से। ठीक है, आपने बहुत दफ़ा सुना होगा तोड़ियाँ, यानी कि अरबी तोड़ियाँ आपने पहली दफ़ा सुना होगा। आज बनाएंगे हम अरबी तोड़ियाँ, मज़े की चटपट बनने वाली रेसिपी। तो ये रेसिपी आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, ये हमने किलो तोड़ियाँ ली हैं, ठीक है, पाव हमने अरबी ली हैं, ठीक है ना, और दो प्याज ली हैं, दो टमाटर ली हैं, ठीक है, और थोड़ा सा धनिया है, लहसुन पेस्ट एक चम्मच लगाएंगे, और ये दही है, ठीक है, दही भी डालेंगे बीच में, और ये सारे मसाले हैं। एक चम्मच लाल मिर्च की छुटकी चुटकी मिर्ची हैं, और हाफ चम्मच हल्दी है, आधी चम्मच सूखा धनिया है, ज़रा सा ज़ीरा है, एक चम्मच हफ्ज़ ज़ैका नमक डालना आपने। अब स्टार्ट करते हैं कुकिंग के हवाले से। इसमें मैं प्याज चॉप कर लूँगी, ठीक है। अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अब हमने प्याज चॉप करके डाल दी इसके अंदर, ठीक है ना। अब हम अपने मुताबिक आप हाफ कप ना ऑयल डाल दें इसमें, ठीक है। मैंने आपको बताया था मैं प्याज चॉप करके डालूंगी, ये वो है प्याज। साथ हम जीरा एक डाल के, दो लौंग और एक बारीक धनिया का फूल डाल के ना इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे, क्योंकि इससे खुशबू बड़ी प्यारी आती है। ये देखिए हमारा प्याज ब्राउन हो गया थोड़ा सा। इसमें डालना एक चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे, ठीक है। देख सकते हैं आप थोड़ा सा, आप इसको ना खोपे होने दें कि जो लहसुन अदरक की वो जो शान होती ना वो मर जाए। उसके बाद हम इसके अंदर टमाटर का जो चॉपर में हमने कर लिया था इस तरह हमने डाल दिए इसके अंदर, ठीक है। ये देखिए इसके अंदर हम ज़रा सा पानी डालेंगे कि हमारा मसाला नीचे ना लगे। उसके बाद सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसमें ना हम थोड़ा सा ना भून लेंगे, बिल्कुल भून रहे मसाला, देखिए हमारा भून रहा है, ठीक है ना। अब इसके अंदर ना हम आधी कटोरी ना आधी से भी थोड़ी सी दही डाल दे, दो चम्मच भरभर के डाल दे, बड़े चम्मच ना थोड़े भरभर के डाल दे, बड़ा अच्छा सेका आता है, ठीक है। और जो मैंने आपको पाई थी ये पाई है, इसको मैंने नमक लगा के ना, तो मैंने इसको ना घंटे दो घंटे रख के इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर दिया। अब मैं इसके पहले ये डालूँगी, क्योंकि तोड़ियाँ तो फटाफट हो जाती हैं, जो अर्दी होती है उसमें थोड़ी सी कसर रह जाती है, इसलिए हम ना थोड़ी सी इसको आँच में ना हल्की आँच में दम पर लगाएंगे कि आपको तोड़ियाँ से खत्म ना। ये देख सकते हैं हमने हल्की आँच पर इसको रखा था, ये देखें बस आपने दो तीन मिनट रखना ही है ना, थोड़ी सी इसकी ना कसर ख़त्म हो जाए। इसमें ना ये मैंने अर्दियाँ तोड़ दी हैं, हर पे तोड़ी हैं, छील की ना ग्रेवी काट के रखी है, इसमें ये डाल देते हैं। खुद मज़े की बन के चटपट बनने वाली होती हैं, या आपने हल्की आँच पर दम पर ही खानी है, तो खुद मज़े की बनती है। देखिए इसका कलर देखिए कितना प्यारा आया हुआ है, रोज़ रोज़ आप सब्जी एक एक खा के नहीं क्या पकाएं, तो आप ना डिफरेंट सब्जी पका सकते हैं, तो सब्जी को मिक्स करके पका सकते हैं, इस तरह ही सब्जियाँ बनाएं तो खुद मज़े की बनती हैं। ये देखिए बस हमने ना हल्का सा पानी का इसके अंदर हम ज़रा सा बस पानी डालेंगे, ठीक है, ज़रा सा के ना ये दम पर पक जाएंगे बाद में। ये देखें इसको हम हल्की आँच पर ना 10 से 15 मिनट हम इसको ना, ये देखिए हम हल्की आँच पर इसको दम पर लगा देंगे 10 से 15 मिनट, ठीक है ना। हमने इसको हल्की आँच पर रखा था ना, ये देखें खुद ही इसमें पानी छोड़ा है, ये देखें हल्का सा बस डाला था, ये देखें इतने मज़े की गल गई है। अभी थोड़ा सा जब ये गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा ना, तो उसके बाद हमने इसको बर्तन में डाल के आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं कितने मज़े की बनी है ये अरबी तोड़ी हैं, ठीक है। इसकी रेसिपी देखें बहुत मज़े की है, और धनिया डाल के ऊपर गरम मसाला, इसके अंदर हमने गरम मसाला ऊपर ऐड करा, ये देखें बहुत मज़े की रेसिपी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे लाजमी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिए, और मुझे फीडबैक लाजमी अपना दीजिए। अच्छी अच्छी वीडियो दे लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।